उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के कल्याणपुर थाना अंतर्गत हरसिंहपुर गांव के समीप स्थित शिव गोपाल इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्राओं द्वारा स्कूल परिसर में कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तभी बाइक में सवार एक दर्जन से अधिक लोगों ने स्कूल में पहुंचकर छात्राओं से छींटाकशी शुरू कर दी। छींटाकशी का विरोध प्रधानाचार्य ओपी गुप्ता ने भी दर्ज कराया तो लामबंद होकर अराजक तत्वों ने उस पर प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि प्रधानाध्यापक का कहना है कि उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करने के चलते अराजक तत्वों के हौसले दिन पर दिन बुलंद हो जाते हैं, जिसके चलते उसके ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ है। प्रधानाध्यापक ने पुलिस अधीक्षक राहुल राज से मुलाकात कर अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई, लेकिन अराजक तत्वों का अब तक गिरफ्तार न करने में नाकामयाब रही। प्रधानाध्यापक के परिवार में दहशत का माहौल है। जी सर, ये 15 अगस्त को हमारे स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था बच्चों द्वारा, ये मैम जो है प्रोग्राम कराइए, तो हमने कहा ठीक है करा रहे, तो उसे प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम चलते समय बीच में ही कुछ गुंडे आ गए, कुछ 6 बाइकों से 18 लोग थे। ये लोग आए धड़ाधड़ घुसते चले अंदर, क्योंकि बदतमीजी करी आकर के, प्रिंसिपल साहब से भी बदतमीजी कर रहे थे और लड़कियों से बदतमीजी करी और जो है टीचरों से बदतमीजी करी। जब उनको रोकने की कोशिश करी गई तो जान से मारने की धमकी देते हुए गेट से बाहर निकाली, गाली देते हुए, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसकी रिपोर्ट कराई तो चौकी इंचार्ज ने यहाँ पर कहा कि ठीक है देख लेंगे। फिर 18 तारीख को शाम 6 बजे 22 तारीख को शाम 6 बजे हमारे हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहे थे, हम ऊपर थे और काम कर रहे थे, जब तक कि कुछ लोग आए जो 6 लोग थे और उसमें ये इनको मार रहे थे, काफी बुरी तरह से मारा, इतना मारा कि जो है इनको काफी चोटें आई, गहरी गहरी, कार का पर्दा भी हल्का सा लूज हो गया जिसमें कम सुनाई देने लगा इनको, और हाथ पैरों में बहुत ज्यादा चोट आई है, सर पे भी चोट आई है, जिसकी वजह से ये वहां यहाँ चिल्लाए बेहोश हो गए थे। जब हम वहां से उनकी आवाज सुनकर उतरे तो बोले भागते हुए नजर आए, जब हमने देखा तो गाड़ी बाहर पड़ी हुई थी, बच्चे हमारे नीचे थे, लेकिन जो है ये लोग भी देखे तो दौड़े हमारे साथ, हमने देखा तो जल्दी पहले इनको उठाया, पानी निकाला, फिर होश में आया, फिर पूछा आप कप्तान साहब कहाँ गए थे, ये से कहीं देखे तो क्या कहा कप्तान साहब जी? हमने उनको पूरा वाक्य बताया, वहां जाकर के एसपी साहब के यहाँ गए थे, वहां पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ उसका पूरा कड़ा से कड़ा हम लोग जो है वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जी मेरा नाम पूजा गुप्ता। किस पद पे है स्कूल? जी हम यहाँ के हेड के उसपे हैं, सहायक अध्यापक। सर 6 गाड़ियों से 18 लड़के आए थे यहाँ, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया, अध्यापकों के साथ छेड़छाड़ किया। इसी 16 तारीख को हम चौकी चार इसकी खबर दिए और उन लड़कों को धमकाया कि अगर खबर दोगे तो तुमको जान से मारेंगे। 17 तारीख हमने थाने में दिया, वहां कोई कार्रवाई नहीं, तो हम 22 तारीख को 6 लड़कों ने आके हमको कॉलेज परिसर के अंदर मारा, किसी को हमने जान बचाई और आवाज दी तो मेरी पत्नी आई तब भाग गए। 6 में से 5 को पहचानते हैं। फिर मैं 23 तारीख को संबंधित कप्तान साहब के पास गया, कप्तान साहब ने पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त किया। अब क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई पुलिस ने? क्या पुलिस के द्वारा सर अभी तक किसी कोई भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो मेरे 2 छोटे बच्चे में उनकी सुरक्षा चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि इन आरोपियों जिस तरह उन्हें जानों के लिए पीटा है उनको भी न्याय। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर ओम प्रकाश गुप्ता है, प्रधानाचार्य श्री गोपाल गुप्ता इंटर कॉलेज चौड़ाग्रा में श्री गोपाल गुप्ता इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है कि उनके कॉलेज में घुस करके उनके आवास में कुछ लड़कों के द्वारा मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में थाना कल्याणपुर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उन लड़कों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की। फतेहपुर से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।